వాళ్ళు వచ్చేయలేదు. డిఫరెన్సెస్ అంటే సెపరేట్ నెట్వర్క్ పెట్టలేదు, అంతా సింగిల్ నెట్వర్క్ లోనే ఉంది. పార్ట్ బి కూడా ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్. ఏకకాలంలో ఇది కూడా జరుగుతూ ఉంది. ఆ హ్యాకర్ కి ఒక పెద్ద టీం ఉంది, వాళ్ళు వాళ్ళని హ్యాండ్లర్స్ అంటారు ఇండియాలో. ఢిల్లీ బేస్ ఉన్నారు చాలా మంది, నైజీరియన్స్ అందరు కూడా దాదాపుగా. అతడు ఏం హ్యాకర్ కి ఆ టీమ్ లో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే, వాళ్ళ పని వాళ్ళు ఈ బ్యాంక్ లో ముందే ఈ ఈ నలుగురిని కాంటాక్ట్ చేసి, షైనాజ్ బేగం, సాన్విక ఎంటర్ప్రైజెస్, నవీన్ కుమార్ కుమార్, వినోద్ కుమార్ రాఖి, సంపత్ కుమార్, వీళ్ళని కాంటాక్ట్ చేసి ఇంకా ముగ్గురిని కూడా చేశారు, కానీ అకౌంట్స్ నుంచి వాళ్ళు సక్సీడ్ కాలేదు. ఆ పేర్లు కూడా ఉన్నాయి, కటకం కోటేశ్వర్, ప్రియాంక ఎంటర్ప్రైజెస్, ఫాతిమా మాతా సెక్యూర్ బిల్డింగ్స్. అంటే ఈ అకౌంట్స్ నుంచి మనీ ట్రాన్స్ఫర్ సక్సీడ్ కాలేదు. కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ హ్యాకింగ్ కేసు January 24 రిపోర్ట్ హువా థా. బ్యాంక్ కే మేనేజర్ నే కంప్లైంట్ కియా థా కి 12.48 crores का उसमें हैकिंग हुआ है, साइफन ऑफ हो गया है. तो रिकंसिलिएशन करते समय उनको ये पता लगा और उन्होंने आकर सीसीएस में कंप्लेंट दिया, साइबर क्राइम सेल ये केस टेकअप करके 2 महीने बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद काफी ये केस के बारे में जानकारी मिली है. तो इसमें ब्रीफली संक्षिप्त में मैं कहना चाहता हूं कि हैकर जो है वो कौन से देश में बैठा है हमको नहीं मालूम अभी भी. यूके हो सकता है या नाइजीरिया में कहीं हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली. तो उसने नवंबर के महीने में 200 फिशिंग मेल्स महेश बैंक के एम्प्लॉयज को भेजा था, 200 एम्प्लॉय को 200 मेल भेजा उसने. और उसमें 2 एम्प्लॉय वो जो फिशिंग मेल्स हैं उसको क्लिक किया, उन्होंने उनके बिजनेस के संबंधित विषय में मेल आया था तो उसने क्लिक किया. क्लिक करने पर उसका जो मेल है हैकर है वो उनके सिस्टम से कनेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें रिमोट एक्सेस ट्रोजन एक था, वायरस का नाम है वो ट्रोजन था, उसकी वजह से कनेक्शन हो गया. कनेक्शन होने के बाद ये हैकर की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजा है वो दोनों सिस्टम में. की लॉगर सॉफ्टवेयर भेजने के बाद क्या होता है कि जो भी वो 2 एम्प्लॉय काम करने वाले बैंक में टाइप करते हैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करते हैं तो उसको पता लग जाता है. तो इसके द्वारा की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा उसने ये दोनों एम्प्लॉय का यूजर आईडी और पासवर्ड उसने मालूम कर लिया. उसके बाद ये 2 सिस्टम्स के द्वारा वो क्योंकि सिंगल नेटवर्क पर है, जो सुपर एडमिन कहते हैं, सुपर एडमिन जो वो होते हैं बैंक में जिसको जिनको डेटा बैंक डेटाबेस जो है उसके साथ इनका कनेक्शन होता है, उसमें एंट्री करने का और उसको एक्सेस करने का जो पासवर्ड हो या यूजर आईडी हो इन्हीं के पास होता है. पर महेश बैंक में 10 लोगों के पास ये सुपर एडमिन का यूजर आईडी जो है और पासवर्ड जो है दिया था 10 एम्प्लॉयज को. तो जब भी ये 2 एम्प्लॉय ये 10 एम्प्लॉय से संपर्क करते थे और टाइपिंग करते थे या कुछ मेल एक्सचेंज करते थे तो पूरा इंफॉर्मेशन वो हैकर को पहुंच रहा था. तो ऐसे जनवरी 6 से लेकर January 23 तक उसने ये की लॉगर सॉफ्टवेयर के द्वारा जो सुपर एडमिन का यूजर आईडी पासवर्ड मालूम करके उसके द्वारा मेन डेटाबेस में एंटर हो गया. इसी समय विड्रॉ किया एटीएम के द्वारा, जो कैश था वो विड्रॉ हो गया और ये 115 अकाउंट्स के बाद और 398 अकाउंट्स और खोले गए देश भर में, कोने कोने में ये अकाउंट्स खोले गए. वहां पर भी जाके एटीएम्स के द्वारा कैश विड्रॉ किया गया और इसका पूरा जो
इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है, 2 महीने से काफी हमारे ऑफिसर का 100 ऑफिसर मतलब कांस्टेबल से लेके जॉइंट सीपी तक, ये 2 महीने बहुत मेहनत किए हैं, देश भर में घूमे हैं, क्योंकि हम एक फैसला लिया था कि हम ये केस में हैकर को कैसे भी पकड़ना है, क्योंकि ये डेंजर जो है बहुत ज्यादा है। इसके द्वारा अभी आने वाले दिनों में काफी बैंक हैक हो सकते हैं, और अभी तक हमारे राष्ट्र में हम देखे हैं तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का हैक हुआ था जुलाई में, 2 करोड़ रुपए आसपास उसमें हैक हो गए थे। अभी ये केस हुआ है मुंबई में, 2 केस रिपोर्ट हुए हैं DNS बैंक और दूसरा एक कोऑपरेटिव बैंक में, तो आने वाले दिनों में ये बढ़ने वाला है। और महेश जो भी बैंक है ये केस में देखा गया है कि महेश बैंक का मैनेजमेंट साइबर सिक्योरिटी का जो पॉलिसी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि पब्लिक का पैसा है और जब पब्लिक के पैसे से आप बैंक बिजनेस चला रहे हैं, उसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप गनीमत आपका आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मिनिमम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लें। बट आपने सिंगल नेटवर्क पर चलाया, पूरे एम्प्लॉयज को इंटरनेट दे दिया, हेडक्वार्टर बैंक से लेके पूरे ब्रांचेस तक एक ही नेटवर्क पर आपने कनेक्शन दे दिया, आपने फायरवॉल्स नहीं लगाया, आपने इंट्रूजन प्रिवेंशन डिवाइसेस नहीं लगाया, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स नहीं लगाए, तो ये सब गलतियां बहुत होने पर ये हैकिंग हुआ है। तो उनको भी हम ये केस में हम डालेंगे और उनको हम एग्जामिन करेंगे क्यों ऐसे हुआ है। और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है इंट्रासॉफ्ट जो मुंबई बेस्ड है, तो उन पर भी हमारा शक है क्योंकि कोऑपरेट नहीं किए हैं अब तक, तो उनको भी हम अब आने वाले दिनों में इसका क्योंकि ये लंबा चलने वाला है और हैकर जो है वो दूसरे देश में है, हम इंटरपोल अप्रोच होंगे, इंटरपोल के द्वारा ये जो आईपी एड्रेसेस हैं वो दूसरे देश में आ रहे हैं और प्रॉक्सी आईपी एड्रेसेस हैं, तो इनका एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, कौन है ये आदमी, ये मालूम करने के लिए इंटरपोल की सहायता मदद हम लेंगे।